अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर नंबर 25 के साथ मैं हाज़िर हूँ। फिर इसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिकली टोटली न्यू इन अ सेंस। कैलकुलस ही होगा, लेकिन बेसिकली इट विल बी ए दी अदर ब्रांच ऑफ कैलकुलस जो हमने काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से जब हम शुरू शुरू के लेक्चर्स की बात कर रहे थे, जब हमने डेरिवेटिव्स और लिमिट्स वगैरह की बात, ये गालिबन लिमिट्स की जब बात शुरू की थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि कैलकुलस की दो मेजर क्लासेस होती हैं, दो टॉपिक्स होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव्स जिसमें शामिल होते हैं, और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस या जिसके अंदर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है, या एंटी डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव्स शामिल होते हैं। तो ये सब अब हम डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो हम कर चुके हैं। अभी जो पिछले चैप्टर्स हमने लेक्चर्स देखे और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर्स हैं टेक्स्ट में, वो हम सब देख चुके हैं, बात कर चुके हैं उसके बारे में, काफ़ी डिटेल में बात हुई है, और उसकी एप्लीकेशंस भी हमने देखी पिछले लेक्चर में, बल्कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जिसमें हमने देखे मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह और रोल्स थ्योरम। उसमें एक एग्जांपल भी की थी बड़ी अच्छी सी, जो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बार बार उसी को दोहराता हूँ क्योंकि इट्स सच अ नाइस एग्जांपल। लेकिन ये कि वो जो हमने कहा था कि मैं ट्रैवल करता हूँ यहाँ से इस्लामाबाद तक ऑन अ बस, एंड उसके अंदर एक्सेलरेशन की बात आई थी कि एट वन पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी एक्सेलरेशन ऑफ ए बस हैज़ टू बी ऑफ दैट बस हैज़ टू बी ज़ीरो समवेयर। तो ये रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन थी जो हमने रियल लाइफ में कर दी थी। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसमें यह है कि इसको अगर आप गौर से सोचें इसके बारे में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि देर आर फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरम एंड पर्टिकुलरली ऑफ दिस एग्जाम्पल। फिर हमने एक और एग्जाम्पल भी मैंने शायद मैंशन की थी कि वो ज़रा हायर लेवल की थी, जिसमें मेरे ख्याल से ये कहा था कि अगर दो एक कंटिन्यूस फंक्शन, जिसमें हमने बेसिकली एक कहा था कि एक स्फीयर्स होते हैं, यानी बॉल्स जिन्हें हम कह लें, जो मैथमेटिकली उनको अगर आप देखें स्फीयर्स को या बॉल्स को, तो उनके ऊपर कुछ बातें की जा सकती हैं। उसमें एक बात ये थी कि कंटिन्यूस फंक्शंस कुछ होते हैं जो एक स्फीयर से अपने एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में मैप करते हैं चीज़ों को, या उसी स्फीयर से अपने आप के अंदर। तो उसमें हमने कहा था कि उसकी कुछ हमने एग्जाम्पल देखी थी कि जी ऑन द प्लैनेट अर्थ एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम देर आर टू पॉइंट्स ऑन द प्लैनेट where temperature and air pressure are the same. तो उसमें यह था कि we don't know which those two points are, but it's guaranteed that that's the case. तो ये इस तरह की कुछ बातें थीं जो मैथमेटिक्स में के अंदर अगर आप देखें, तो obviously these are very interesting, यानी ये सोचने वाली बात है कि जी क्या वजह है कि why is it guaranteed कि on the planet earth there are two places, two points, whatever they may be, you'll have temperature and air pressure the same. तो एक तो ये कि जी क्यों गारंटीड है, उसके बहुत एक बड़े लंबा चौड़ा सवाल है, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की जा सकती है और की भी गई है यकीनन। उसके अलावा एक ये सवाल भी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ये आपके ऊपर है, यानी और क्रिएटिव लोग जो होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, उनके ऊपर होता है कि जी हाउ टू अप्लाई दीज ब्यूटिफुल आइडियाज़ फ्राम मैथमेटिक्स टू प्रैक्टिकल थिंग्स, कि जी हम प्रैक्टिकली कैसे इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर बेनिफिट, और उसके अलावा ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट्स बेसिकली। तो खैर, ये कुछ चंद बातें थी जो हमने देखी डिफरेंशियल कैलकुलस में, और इसमें ये था कि आई होप यू अप्रिशिएटेड कि कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं। जब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी की थी, तो उस वक्त भी आई होप कि आपने देखा होगा कि जी दैट वॉज़ अ वेरी रिमार्केबल थिंग, वी कुड डू, वी कुड टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स, यानी रियल लाइफ में, बिजनेस में, जब हम इंडस्ट्री में अगर कहीं कोई बिजनेस लगाना चाहें, तो वी वांट टू ऑप्टिमाइज और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कॉस्ट। जाहिर है कॉस्ट को तो मिनिमाइज ही करना चाहेंगे, लेबर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो पॉइंट ये होता है कि इन दोनों चीज़ों को, अगर क्वांटिटीज़ को आप फंक्शन के तौर पे लिख दें, और पर्टिकुलरली कंटिन्यूस फंक्शन के तौर पे, देन वी सॉ दैट वी कुड बेसिकली यू नो डू एनीथिंग वी वांटेड टू यूजिंग द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। बड़ा ज़बरदस्त थ्योरम था, और उसके अलावा एक और थ्योरम था जो हमने देखा था, जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन के हवाले से जो था। तो ये सब हमने देखी चीज़ें, और आई थिंक यू डेफिनेटली अप्रिशिएट के देर इज़ समथिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट, एटलीस्ट इट शुड नॉट बी आफ्टर यू हैव टेकन दिस कोर्स, एंड आई होप दैट्स व्हाट आई विल बी एबल टू कन्वे टू यू, इफ़ नथिंग एल्स
कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट समथिंग ड्राई एंड यूजलेस, इट्स एक्चुअली द साइंस, इट्स द क्वीन ऑफ साइंसेस एंड इट शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट. अच्छा जी, ये तो आज की हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बात. अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं. अब ये बात निकली थी कि जी शुरू किया था मैंने कहना कि जी डिफरेंशियल कैलकुलस हम कर चुके हैं, ठीक है जी, हो चुका है. अब दूसरा कैलकुलस क्या होता है? वो होता है एंटी डेरिवेटिव्स का, यानी डेरिवेटिव्स का जो एंटी होता है वो क्या होता है वो अब हम देखेंगे थोड़ी देर में, यानी उनका उलट एक तरह से डेरिवेटिव्स का. वी विल सी व्हाट दैट मींस. उसको हम बल्कि इंटीग्रेशन भी कहते हैं, वी कैन कॉल इट इंटेग्रल. यानी अगर हम कहें कि जी एक फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है तो उसका क्या मतलब होगा, वी विल सी व्हाट दैट मींस. कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी एंड स्टफ लाइक दैट. ऑफ कोर्स इसमें ये भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि व्हाट एग्जैक्टली डज द एंटी डेरिविटिव मीन. देयर विल बी टू मीनिंग्स वी विल गेट आउट ऑफ दिस लेक्चर फॉर द एंटी डेरिवेटिव्स. एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी और एक थियोरेटिकल होगी, और हम देखेंगे क्या होती है. तो आइए इसको पहले समराइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या हम बातचीत करेंगे. तो इंटीग्रेशन की बात हम करेंगे, टॉपिक लेक्चर का यही है इंटीग्रेशन. तो इसमें हम बेसिकली वी स्टार्ट लुकिंग एट द अदर मेजर कैलकुलस प्रॉब्लम, एंड दैट बेसिकली फिर रिमेंबर वाज द एरिया प्रॉब्लम. सो वी विल सी हाउ वी कैन बेसिकली फाइंड एरियाज ऑफ सर्टन बेसिकली शेप्स विच इन विच यू कांट एक्चुअली फाइंड द एरिया यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स. यानी स्टैंडर्ड मेथड से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड मेथड से मुराद है कि जी यूजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक स्क्वेयर्स, सर्कल्स या पॉलीगॉन्स ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये डिफरेंट काइंड की टाइप ऑफ शेप्स होंगी, और इसको हम देखेंगे कि इनका एरिया कैसे मालूम किया जा सकता है. तो एक तो ये हो गया जनाब एरिया प्रॉब्लम. फिर हम एंटी डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि व्हाट आर एंटी डेरिवेटिव्स. वही पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम, वेल द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स, वील सी वॉट दे आर, एंड देन वील सी दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या होती है वो भी देखेंगे. फिर जी इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज होंगे, वील सी वॉट द इंटीग्रेशन फार्मूलाज आर. फिर एक चीज़ हम देखेंगे कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटेग्रल, वॉट एवर दैट मीन्स फॉर नाउ, वील सी वॉट दैट इज, एंड एट द एंड वील सी द properties of the indefinite integral. Area problem से start करते हैं कि what is the area problem. So let's talk about that. इसमें area problem की बात वही है कि जी अभी मैंने शुरू में जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि area मालूम करने की जो एक desire है कह लें इंसानियत के साथ है काफ़ी अरसे से, like throughout history people have been, scientists, mathematicians have been involved in trying to find areas of particular type of shapes and stuff, shapes of course. और उसकी वजह क्या थी? एक वजह तो ये थी कि जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल इश्यूज थी कि भाई अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, यानी अगर आपको घर बनाना है, पुराने ज़माने की बात है, तो उसमें आप अगर स्क्वायर घर बनाएंगे तो कितना एरिया कवर्ड होगा, क्या उसका हिसाब किताब होगा. तो ये बेसिक जो इश्यूज थी उसकी वजह से पीपल स्टार्टेड डिवेलपिंग दीज आइडियाज़ ऑफ फाइंडिंग एरियाज ऑफ बेसिक शेप्स, यानी टू डिमेंशनल शेप्स. ज़ाहिर है एरिया की बात होती है तो टू डिमेंशन में ही होती है, अगर आप थर्ड में चले जाएं तो यू टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, ठीक है जी. तो हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे अभी, विल जस्ट टॉक अबाउट टू डिमेंशनल फ्लैट शेप्स, जिसकी हम कहेंगे कि जी हम इसका एरिया मालूम करना है. अच्छा, यहाँ पे एक मज़ेदार सी बात मैंने जब जिक्र किया अभी कि आप जब टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल की बात हुई, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपने सोचा होगा कि जी ये जो थ्री डिमेंशन में वॉल्यूम कैसे हो जाता है. तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स का. इट्स रियली समथिंग टू थिंक अबाउट कि जी आप जब वन डायमेंशन में होते हैं, यानी बेसिकली अगर आपके पास एक लाइन है, सीधी लाइन, सिर्फ एक लाइन, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग हम इसको कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल लाइन है. तो अगर और आमतौर पर मैथ में जब भी आप लाइन देखते हैं तो अजम्पशन ये होती है कि लाइन वन डायमेंशनल है, इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, थिकनेस कोई नहीं है. ज़ाहिर है थिकनेस हमारी नज़र में तो है क्योंकि हमने ड्रॉ की एक पेपर पर, लेकिन थियोरेटिकली वी आर असूमिंग दैट इट हैज़ नो थिकनेस. तो इसका मतलब ये है कि लाइन अगर आपके पास है तो यू कैन ओनली फाइंड द लेंथ ऑफ दैट लाइन. और अगर इस लाइन को, जैसे अगर ये आपके पास लाइन थी, इसको आप इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनसे आप परपेंडिकुलर मूव करें ऊपर की तरफ, यानी और हर पॉइंट से लाइन पे, तो क्या आता है आपके पास? एक शेप आती है, यू गेट अ स्क्वेयर, ठीक है जी. तो अब एकदम से आप देखें कि लाइन से जहाँ पे लेंथ थी, अब आपके पास एक स्क्वेयर आ गया, और स्क्वेयर के अंदर
Now you can talk about the area of the square. So in a sense, really, jab length ki baat ki thi, the length was a one dimensional area, you can say that. Aur third dimension mein humne kaha tha ki jo volume jo hai wo three dimensional area hai. So really question ye hai ki ye koi zyada general concept hai jisko humne two dimensions mein hum area kehte hain, three dimensions mein volume kehte hain, one dimension mein length kehte hain. So ye kya hai? Ab yahan pe wahi baat hoti hai ki why should we stop at the third dimension? Agar yani aapke paas ek square aa gaya, uska aapne area malum kar liya. Ab agar aapke paas square hai aise karke, and if you imagine karein ye mere desk ke upar lie kar raha hai, it's just totally flat. To isko agar hum raise kare aise perpendicular to the square, bahut sare squares aise draw kare continuous fashion mein, to aapke paas ek cube aa jata hai. Cube ki hum jab hamare paas cube aata hai, to then we start talking about volume, yani uske cube ke andar kitni capacity hai matter hold karne ki, ya koi solid ya koi cheez aap bhare usme, to how much can that, how much is that capacity? To area jo hai wo volume ban chuka hai third dimension mein. Ab wahan pe kyun ruke? Why don't we go into the fourth dimension? Pata nahi maine iske bare mein shayad zikr kiya ho ki nahi kiya ho, lekin yahi baat hai ki agar aapke paas cube aa gaya hai, to is cube ko aap fourth dimension mein kaise leke jayenge? How would you get jaise humne one dimensional line se square banaya, square se phir humne ek cube banaya, cube se hum ko ek four dimensional cube bana sakte hain? Yani jaise aam taur pe hyper cube bhi kaha jata hai mathematics mein, to wo kaise banega? Ban sakta hai. Aap cube ki jitni bhi directions hain, faces hain, unse 90 degree perpendicular outward move karenge, to you will get a four dimensional hyper cube. Ab ye itni simple baat nahi hai, sochne ki baat ye ki theek hai 90 degree pe move to karenge, lekin move kahan karenge? You will move into the fourth dimension. Aur fourth dimension kya hoti hai? Well, as the dimension, creatures of three dimensions, we don't know. Hum uski taraf point nahi kar sakte kyunki hamare andar capacity nahi hai. Hum sirf aur sirf teen dimensions mein baatein kar sakte hain aur soch sakte hain. Ye physically, lekin mathematically we can do whatever we want to. Yani mathematically maine aapko bataya ki how to move into the fourth dimension. To fourth dimension mein agar aapke paas ek cube aa gaya, hyper cube, to iska bhi hum ek volume ki baat kar sakte hain, तो उसको हम हाइपर वॉल्यूम कह सकते हैं. तो पॉइंट ये, मकसद ये कि ये बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं. और कैलकुलस की जो अभी हम टॉपिक पे शुरू करेंगे, एरिया की प्रॉब्लम जिससे मैंने बात शुरू की थी, उसी में ये है कि आगे चल के जब आप मल्टीवेरिएट कैलकुलस करेंगे, तो यही एरिया प्रॉब्लम जो होगी, जो हम अभी देखेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं और इसमें इंटीग्रेशन क्या रोल प्ले करती है, आगे चल के हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ही वॉल्यूम को मेजर करने में हेल्प करेगी थ्री डिमेंशन में. और फिर थ्री डिमेंशन में क्या, बल्कि हम एन डिमेंशन, यानी कोई भी नंबर ले लें एन, आप नाइन डिमेंशन हो, कुछ भी हो, उसमें आप एक नाइन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं. तो खैर, आई होप दैट वाज इंटरेस्टिंग. ये बातें करना तो आसान होती हैं, फिलोसॉफिकल बातें, बट दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू. खैर, ये बातें हो गई, अब हम वापस जाते हैं अपनी फिलहाल जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं एरिया प्रॉब्लम की. तो लेट मी राइट डाउन समथिंग, आप इसको देख लीजिए कि अब एरिया प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या जानना चाहते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि गिवन ए कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑन एन इंटरवल, पर्टिकुलरली अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फाइंड द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एंड द इंटरवल ए बी ऑन द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी है, नॉन नेगेटिव फंक्शन. What is a non-negative function? ये basically ऐसा function है. Non-negative का मतलब होता है कि वो values जो zero से बड़ी हों या zero के बराबर हों. तो f of x अगर non-negative है, इसका मतलब है कि उसकी values जो हैं वो zero होंगी या उससे बड़ी होंगी, negative नहीं हो सकती. That's basically what non-negative is. और ये जो हमने अभी problem देखी कि that's basically what we wrote down कि जी area problem ये है, तो इसका एक picture बना लेते हैं. पिक्टोरियल आइडिया ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है हमेशा. तो लेट्स लुक एट दैट. इसमें देखिए कि आपके पास एक ग्राफ है, हियर इज द एक्स वाई एक्सिस, एक इंटरवल है ए कॉमा बी, और इसमें एक ग्राफ बना हुआ है वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, और इसके जो नीचे जो एरिया है कन्फाइंड बाय ऑन द टॉप बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड एट द बॉटम बाय द इंटरवल, ये और ऑन द साइड्स बाय ए एंड बी, ये एरिया हम मालूम करना चाहेंगे बेसिकली. तो ये बेसिकली एरिया प्रॉब्लम है. अब इसको कैसे टैकल किया जाए, यानी ये जब आप अपने भी पिक्चर देखी, इसमें जो एरिया हम मालूम करना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज लुकिंग शेप, टू डिमेंशनल शेप है. इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स नॉट अ ट्रायंगल, इट्स नथिंग, नो पॉलीगॉन, इट्स नॉट इवन अ पॉलीगॉन ऑफ एनी सॉर्ट्स वी हैव सीन. तो ये ज़रा मुश्किल होगा इसका एरिया मालूम करना, लेकिन हम मालूम ज़रूर करना चाहेंगे. तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं.
इसमें ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सबसे पहले तो जो अभी आपने तस्वीर देखी उसमें ये था कि ए और बी के दरमियान एक इंटरवल है और उस इंटरवल नीचे से नीचे जो है वहाँ पे बॉटम पे इंटरवल है, टॉप पे एक फंक्शन का ग्राफ है और इन दोनों के दरमियान जो वो है एरिया है इसको हमें मालूम करना है। तो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इस डेवलप करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं और बजाय इसके कि जो राइट एंड पॉइंट था इंटरवल का बी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू थी इसको एक वेरिएबल का तौर पे इसको ट्रीट करते हैं। इंस्टेड ऑफ बी लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए ऑल द वे टू एक्स, यानी एक्स जो है इट विल बी जस्ट सम नंबर जिसको हम वैल्यू असाइन करेंगे तो ये हमें वहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी इसकी भी एक पिक्चर बना लेते हैं एंड यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो अब तस्वीर आ रही है आपके पास इसमें नोट कीजिए कि ये वही ग्राफ है ऑन द टॉप एट द बॉटम जो आपके पास इंटरवल है ये ए से बी की बजाय अब ए से एक्स तक हो गया और बीच में जो आप एरिया मालूम करना चाह रहे हैं इसको लिखा हुआ है एज ए ऑफ एक्स। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली अब जो डिस्टेंस है वो जो जो आपका एरिया मालूम करना चाह रहे हैं वो एक कॉन्स्टेंट एरिया नहीं है बल्कि इट्स अ चेंजिंग एरिया, यानी जो वैल्यू आप एक्स को असाइन करेंगे बीच में जो एरिया आएगा इट विल डिपेंड ऑन व्हाट दैट एक्स वैल्यू इज, लिहाजा जो एरिया होगा इट्स नाउ ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ दैट नंबर और दैट वेरिएबल एक्स। तो ये एक तरह से मतलब अगर एरिया जो है ट्रेस आउट हो रहा है, यानी अगर ये आपका ग्राफ बना हुआ है ठीक है जी ऑन द टॉप एट द बॉटम हियर इज द एक्स एक्सिस, यहाँ पे ए है और आप यहाँ पे आपका टॉप पे ग्राफ है ऐसे करके, तो आप एक तरह से ट्रेस आउट कर रहे हैं एरिया अंडर द ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस ऑल द वे टू द पॉइंट एक्स, जहाँ पे मैं कहूँगा जी एक्स रुके यहाँ पे अगर रुकता है तो आप इतना एरिया मालूम कर रहे हैं, अगर एक्स को मैं थोड़ा और बाहर ले जाऊँ तो अब इतना एरिया आ गया मेरे पास। तो ये जितना मैं बाहर एक्सटेंड करूँगा एक्स को आगे पीछे दैट्स हाउ मच एरिया आई विल ट्रेस आउट एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। तो एक तरह से हम इस तरह से व्यू कर रहे हैं एंड नाउ एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डेवलप दिस फर्दर। अच्छा अब ये तो हम जो बात शुरू की है हमने इसमें ये है कि इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा ही सा है, इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा जैसे मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में किया था क्योंकि इन लोग जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। न्यूटन्स आइजक न्यूटन जिनका हमने मेथड देखा था पिछले लेक्चर में और एक जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लीबनिट्स, तो ये दोनों हमेशा साथ साथ आते हैं जब भी कैलकुलस की बात होती है तो इन दोनों के नाम एक दूसरे के साथ साथ आते हैं क्योंकि दे आर बोथ क्रेडिटेड फॉर बीइंग द डेवलपर्स ऑफ कैलकुलस बेसिकली एंड ट्रूली सो दे वर द वंस हु इनिशिएटेड लॉट ऑफ थिंग्स इन कैलकुलस। तो ये जो अभी हमने थोड़ी सी बात की है तो अब ये याद रखें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम एरिया मालूम कर लें किसी तरह से, ये जो हमने देखा कर्व के नीचे ग्राफ के नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर वाला इसको मालूम करना है। तो न्यूटन और लीबनिट्स ने कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे की थी उसको देखते हैं कि हाउ दे डिड दिस। इन दोनों का आइडिया ये था कि अब अननोन क्वांटिटी जो है वो है एरिया या ए ऑफ एक्स, तो इसको कैसे मालूम करें, तो ये एक बड़ी क्रिएटिव सी थिंकिंग थी इनकी और अभी हम देखेंगे क्यों इतनी क्रिएटिव थी कि व्हाट न्यूटन एंड लीबनिट्स सेड वाज दैट टू फाइंड द अननोन फंक्शन ए ऑफ एक्स फर्स्ट फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ एक्स and then somehow using that derivative which you now know go backwards and find the area or the function a of x. That is a is kind of a twisted, not twisted but convoluted thinking, but that's how mathematics works. Isme convoluted thinking involved hoti hai ki aapne pehle ek cheez jo unknown thi usse ek cheez malum ki aur fir ulta wapas jaake wohi cheez malum karenge. To ye basically idea hai jo hum yahan pe ab develop karenge, to find the area function a of x, first find its derivative and then using the derivative find somehow a of x. और जो बीच में somehow है वो हम देखेंगे क्या है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि what exactly are we trying to find out, यानी अगर हम derivative मालूम करना चाह रहे हैं a of x का तो वो क्या होगा। हमें पता है derivative की definition, let's look at this. यहाँ पे ये है कि जी अगर a prime of x मालूम करना है यानी derivative of a of x तो that is equal to limit as h goes to zero of a of x plus h minus a of x divided by h, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए assume करते हैं कि h is bigger than greater than zero, यानी ये positive number है और negative number नहीं है।
तो अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया. अब इसमें नोट कीजिए कि कुछ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि ये जो हमने अभी लिखा देखा कि जी ए प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लिमिट है एज एच गोज टू ज़ीरो ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स. ये जो टॉप है ए ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स, ये क्या चीज़ है? इसकी एक ज्योमेट्रिक पिक्चर बनाते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बात क्या चीज़ हो, किस चीज़ की बात हो रही है. आइए तस्वीर देखते हैं. इसमें देखिए कि बेसिकली जो तस्वीर है हमारे पास वो है एक ऐसे फंक्शन की, यानी एक ऐसी है कि जो एक ऊपर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का और नीचे एक्स एक्सिस है, और जो टॉप पार्ट था ए ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स, ये एक एरिया डिफाइन कर रहा है विच इज़ द एरिया व्हेन विच यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द एरिया फ्रॉम ए टू द फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑन द एक्स एक्सिस ऑल द वे टू द पॉइंट एक्स प्लस एच. ये आपका एरिया हो जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस एच. और दूसरा इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑल द वे टू द नंबर एक्स. तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने पास जो एरिया आएगा रिजल्ट वो आपके सामने है. दैट्स बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड दैट्स व्हाट बेसिकली द टॉप पार्ट रिप्रेजेंट्स. तो ये आपके सामने तस्वीर आ गई. आई होप दैट मेक्स सम सेंस. अब ये है कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हाउ डू वी फाइंड दिस एरिया. ये जो टॉप का है ए ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स, इसको हमें मालूम करना है या किसी तरह अप्रॉक्सीमेट कर लें. मालूम करना तो दूर की बात है अभी, लेट्स ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट इट. तो इसके बारे में देखते हैं कैसे करेंगे. इसमें नोट कीजिए कि अगर आपका ये जो तस्वीर एक है आपके सामने और आ रही है, जो इसमें एरिया मालूम करना था ए ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एक रेक्टेंगल से जिसकी आपके सामने तस्वीर बनी हुई है. इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो है लोअर एंड पॉइंट जो x है और जो अपर एंड पॉइंट है वो x प्लस h है. तो यानी जो थिकनेस है इस रेक्टेंगल की वो है जनाब h. ठीक है, इसमें एक मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं इसका रेक्टेंगल का, और ये मिड पॉइंट जो होगा ये टच करेगा ग्राफ को y इक्वल्स f ऑफ x के. तो यानी जो ये जो आपके सामने एक हाइट है इस रेक्टेंगल की बेसिकली वो होगी f ऑफ c, यानी जो c पॉइंट है मिड पॉइंट उस पे आप अवेल्यूएट करें फंक्शन को तो आपको हाइट मिल जाएगी इस रेक्टेंगल की. तो ये बेसिकली इस तरीके से आप इसकी इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं. अगर आपके पास रेक्टेंगल की हाइट है और विड्थ है, बड़ा आसान है इसका एरिया मालूम करना, इट्स जस्ट हाइट टाइम्स विड्थ. तो इससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम वो जो एरिया हम मालूम करना चाह रहे हैं. तो इसको लिख लेते हैं. देखिए कि ए ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच जो होगा, इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल. तो ये टॉप पे तो आ जाएगा एफ ऑफ सी टाइम्स एच इज जस्ट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. लेकिन कोश ये हम इसको डिवाइड भी कर रहे हैं एच से, तो हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं एच से. तो एफ ऑफ सी टाइम्स एच डिवाइडेड बाई एच आ गया. ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो बराबर है एफ ऑफ सी के. तो लेट्स कॉल दिस कैपिटल ए. अच्छा जी, तो अब एक बात और नोट कीजिए कि अब ये जो अप्रॉक्सीमेट किया हमने वो पर्टिकुलर एरिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, तो अप्रॉक्सीमेशन है. जाहिर है एरिया के अंदर वो चीज़ नहीं है जो रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ग्राफ से ऊपर भी गया हुआ है थोड़ा सा, तो वो एक्स्ट्रा है और हमें थोड़ा सा एरर देगा वो. तो एरर को कैसे हम ख़त्म करें? तो एरर को हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि जी एच जो है अगर वो ज़ीरो को अप्रोच करे तो क्या होगा, यानी व्हाट हैपेंस इफ एच अप्रोचेस ज़ीरो, यानी जो थिकनेस है रेक्टेंगल की इफ दैट गोज टू ज़ीरो व्हाट हैपेंस. लेट्स राइट दिस डाउन. नोट करें कि दैट द एरर इन द अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम दिस रेक्टेंगल विच इज़ बेसिकली गिवन इन दिस इक्वेशन ए विल अप्रोच ज़ीरो एज एच गोज टू ज़ीरो. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट द डेरिवेटिव of the function a of x, a prime x, equals limit as h goes to 0 of a of x plus h minus a of x divided by h, well that's equal to limit as h goes to 0 of f of c. अच्छा जी, तो ये आपका एक conclusion हमने draw की basically. अब इसमें note करें कि अगर h 0 को approach कर रहा है तो what's happening to c? Note करें कि of course as h approaches ज़ीरो सी अप्रोचेज एक्स, चूँकि सी मिड पॉइंट है तो वो एक्स की तरफ मूव करेगा. जैसे पूरी थिकनेस ज़ीरो होगी तो सी जो है वो एक एक्स की तरफ मूव करेगा,
और लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज में क्या होगा, यानी कुछ y वैल्यूज कॉरस्पॉन्ड करती हैं इन वैल्यूज को x एक्सिस पे, तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ये होगा कि चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस हमने अस्यूम किया है तो उनमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, और हम ये कह सकते हैं कि एज एज गोज टू ज़ीरो सी गोज टू एक्स एंड देन वॉट हैपन्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ सी, वॉट हैपन्स टू एफ ऑफ सी, अगर सी एक्स को अप्रोच कर रही है तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो देर इट मस्ट बी दैट एफ ऑफ सी अप्रोचेज एफ ऑफ एक्स, यानी सी एक्स को जा रहा है तो एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स को अप्रोच कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं कि इससे क्या हम कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एज एज गोज टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ सी इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एंड दैट इम्प्लाइज दैट ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जनाब ये बेसिक आइडिया, ये था सारा बेसिक आइडिया जो हमें कंक्लूड करना था। तो इसको यानी हमने क्या किया, होपफुली यू आर फॉलोइंग दिस, कि हमने एक तरह से कुछ जो डेरिवेटिव फंक्शन था वो हमने मालूम कर लिया है, यानी हमें पता नहीं, मालूम नहीं था कि जी एरिया फंक्शन क्या है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उसका डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स। क्या हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या है? बिल्कुल पता है, बिल्कुल इसलिए पता है कि वही तो वो फंक्शन है जिसके नीचे का एरिया हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो द इक्वेशन फॉर दैट फंक्शन। तो अगर डेरिवेटिव हमारे पास है एरिया का और हमें पता है कि वो उस फंक्शन की बराबर है जिसके नीचे हम एरिया मालूम कर रहे हैं, देन वी आर डन, वी आर हैप्पीली यू नो सेटिस्फाइड कि ऑफकोर्स वी हैव अचीव समथिंग, यानी एक अननोन क्वान्टिटी से हमने एक नोन क्वान्टिटी डिराइव की है। तो लेट मी पुट इट डाउन एक्चुअली फॉर्मली, द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स इज द फंक्शन हुज ग्राफ फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ द रीजन अंडर विच द एरिया इज टू बी फाउंड। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी जो न्यूटन और लीबनिट्स ने बेसिकली अचीव की थी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग एरियाज, और ये वाकई अगर फिलोसॉफिकली सोचें, अनदर फिलोसॉफिकल पॉइंट इन मैथमेटिक्स, के आपको नहीं मालूम कि जी एरिया फंक्शन क्या है, लेकिन आप उसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, दैट्स रिमार्केबल। यानी और वो डेरिवेटिव टर्न्स आउट टू बी व्हाट, इट टर्न्स आउट टू बी अ क्वांटिटी यू ऑलरेडी नो, इट इज एक्चुअली अ फिलोसॉफिकल थिंग, वन मस्ट क्वेश्चन, लाइक वन मस्ट वंडर why is it that it turned out to be that function f of x itself, something to think about। khair hum aisa karte hain, ek example dekh lete hain and try to make these ideas more concrete। example janab hai ke find the area of the region under the graph of the function f of x equals x square over the interval closed interval 0 and 1। तो ये हमें बेसिकली मालूम करना है एरियाज के नीचे, इसका एक फिगर बना लेते हैं सो दैट वी गेट एन आइडिया एज़ टू व्हाट्स गोइंग ऑन। एग्जांपल बेसिकली यही है, तो इसका फिगर है आपके सामने, इसमें देख लीजिए कि वी वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 1। तो अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे, हम इसको उसी तरह मालूम करेंगे जैसे अभी हमने ये थोड़ी सी थ्योरेटिकली बात की थी, कि बजाय 0 से 1 तक जाने के हम जाएंगे फ्रॉम 0 to the variable x और फिर देखेंगे क्या होता है। तो आइए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें देख लीजिए कि सिंपल सी बात है कि जो अगर आप 0 से x तक जा रहे हैं क्लोज इंटरवल में, तो फ्रॉम द डिस्कशन वी ऑलरेडी हैड अर्लियर थोड़ी देर पहले, ये साफ जाहिर है कि जो डेरिवेटिव है इस एरिया का जो आप मालूम करना चाह रहे हैं अंडर द कर्व, इट्स बेसिकली कॉल्ड ए प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x square। तो यानी ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की मैंने, आई जस्ट यूज व्हाट आई जस्ट डेवलप्ड अ फ्यू मिनट्स अगो, थ्योरी जो डेवलप की थी वो इस्तेमाल किए कि ए ऑफ एक्स का जो क्वांटिटी हमें नहीं मालूम उसका डेरिवेटिव हमें मालूम है, इट्स द सेम फंक्शन अंडर हुज ग्राफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एरिया, ठीक है जी। तो वो है फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो ए प्राइम ऑफ एक्स टर्न्स आउट टू बी द फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब मकसद ये है कि अब हमें ए ऑफ एक्स मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करें? सिंपल सी बात है कि अगर डेरिवेटिव मालूम है तो हमें कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहिए ए ऑफ एक्स के लिए एज अ कैंडिडेट फॉर ए ऑफ एक्स, जो ऐसा हो कि अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें या उसका डेरिवेटिव मालूम करें तो रिजल्ट जो है वो एक्स स्क्वायर आए। इसको थोड़ा सा फिर से गौर से सुन लीजिए कि हुआ क्या। बेसिकली हुआ ये कि ए प्राइम ऑफ एक्स जो है डेरिवेटिव वो तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमें ए ऑफ एक्स मालूम करना है, तो ए ऑफ एक्स जाहिर सी बात है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका अगर हम डेरिवेटिव लें या उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास रिजल्ट आए एक्स स्क्वायर।
इट्स गिवन टू अस. तो अब हमें ऐसा कोई फंक्शन मालूम करना है, तो हाउ डू वी फाइंड दैट? फिलहाल हमने वो टेक्निक डेवलप नहीं की है कि जो हमें बताएगी कि वो फंक्शन कैसे मालूम करें, लेकिन गैसिंग ज़रूर की जा सकती है. यहाँ पे थोड़ी सी गैसेस कर लेते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन आपके जहन में आ रहा है जो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपका रिजल्ट जो है वो एक्स स्क्वायर आए. इसके बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए. मेरे जहन में तो एक फंक्शन है. जहन में क्या है, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं लिख के लाया था अपने लिए, तो ज़ाहिर है आई नो राइट, मैं नोट्स प्रिपेयर करके लाया था. तो खैर ये थोड़ा सिंपल सा फंक्शन है, तो आई ऑलरेडी नो व्हाट द आंसर शुड बी. तो अगेन द क्वेश्चन इज, कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढें जिसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो रिजल्ट एक्स स्क्वायर आए. तो हेयर इज अ फंक्शन, आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि द फंक्शन इज ए ऑफ एक्स इक्वल्स 1/3 एक्स टू द पावर 3. तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि इसको अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देख लेते हैं. हमें पता है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर जो है वो एक्स क्यूब पे लगा दें, रिजल्ट आता है 3x स्क्वायर यूजिंग द पावर रूल. 3x स्क्वायर टाइम्स 1/3, नीचे जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले 3 से, रिजल्ट क्या आता है, एक्स स्क्वायर. एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर लुकिंग फॉर. तो ये गैसिंग थी, लेकिन सिंपल गैसिंग थी. तो हमारे पास अब एरिया फंक्शन क्या आ गया, ए ऑफ एक्स टर्न्स आउट टू बी 1/3 एक्स क्यूब्ड. तो ये आपका जो है एरिया फंक्शन है. अच्छा, अब ये एरिया फंक्शन तो आ गया, लेकिन अब हमें मालूम करना था एरिया फ्रॉम 0 to 1. तो अब 0 to x जो हमने सपोज किया था थोड़ी देर के लिए इंटरवल, उसमें x की जगह 1 डाल दीजिए. दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इन द फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर द फंक्शन ए ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल्स 1. तो अगर ए ऑफ एक्स जो है वो 1/3 एक्स टू द पावर 3 है, इसमें 1 डाल दीजिए x की जगह, रिजल्ट क्या आएगा, 1. तो आई एम सॉरी 1/3, 1/3 टाइम्स 1 इज 1/3. तो आपका बेसिकली जो रिजल्ट है वो ये है कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 इज 1/3 यूनिट्स. व्हाट आर दोज यूनिट्स, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट राइट नाउ. वी आर कंसर्न विद जस्ट बेसिकली डिवेलपिंग अ वे टू फाइंड द एरिया, एंड वी जस्ट डिड दैट. अच्छा जी, अब ये बात भी हो गई कि एरिया कैसे मालूम करते हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और एंटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं. यानी एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली फंक्शंस वी आर लुकिंग फॉर, विच व्हेन यू डिफरेंशिएट यू गेट अ सर्टेन पर्टिकुलर फंक्शन दैट यू वांट टू बी. एक तरह से इसकी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को फॉर्मली. फॉर्मल डेफिनेशन है जनाब कि अ फंक्शन कैपिटल एफ, लेट्स कॉल इट कैपिटल एफ, बिग एफ, is called an antiderivative of a function small f on a given interval if the derivative of the big capital F function f prime of x equals the small f of x for all x in that interval. So, janab, ye iski definition hai basically. Thodi si abstract lagti hai, lekin let's do a few examples. To zahir ho jayega ki hum kehna kya cha rahe hain. To example dekh lete hain. Example hai ji ke kuch functions hai aapke samne. 1/3 x cubed, इसके अलावा 1/3 x cubed plus 2, इसके अलावा एक और फंक्शन है 1/3 times x cubed minus pi, और एक और फंक्शन है 1/3 x cubed plus some constant c, यानी c could be any constant. तो इसमें नोट कीजिए कि ये सारे जो फंक्शंस हैं अभी आपके सामने आए थे, these are all antiderivatives of a particular function, and that particular function is x square. यानी अगर आप इन सब का डेरिवेटिव लें तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर. तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो फंक्शंस थे दे वर एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट द डेफिनेशन वाज सेइंग आल्सो. और अच्छा, ये बात भी है नोट करने की कि ये जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी, इसमें ये सारे फंक्शंस जो थे ये एंटी डेरिवेटिव्स थे इस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर के ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. एक बात और भी आपने नोट की कि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो दे डोंट मैटर. तो इन जनरल बेसिकली यू कैन से दैट इफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन. इसको लिख लेते हैं, इसको देख लीजिए आपके सामने, इसको बल्कि थ्योरम की फॉर्म में लिख लेते हैं. If f of x is any antiderivative of small f of x on a given interval,
then for any value of c, the function f of x, capital F of x plus c, is also an antiderivative of the small f function on that interval. Moreover, every antiderivative of the small f function on the interval is expressible in the form f of x plus c. तो ये जनाब आपकी एक थ्योरम हो गया, इसमें कांस्टेंट्स का रोल भी पता चल गया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मज़ीद गौर भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स करेंगे तो इट बिकम क्लियर. तो आइए आगे चलते हैं. अच्छा, अब एक प्रोसेस इसमें है, यानी बेसिकली एंटी डेरिवेटिव्स को जो मालूम हम करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. ये प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स, इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो ये इंटीग्रेशन को अभी हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसको. ज़ाहिर है हम ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा फॉर्मल तरीका है, एक मैकेनिकल तरीका समहाउ, जो हमें एंटी डेरिवेटिव्स मालूम करने के लिए हेल्प करे. ज़ाहिर है हम जानना चाहते हैं कि जी एक गिवन फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव्स क्या हैं. तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो वो या एंटी डिफ्रेंसीशन भी कहलाती है, लेकिन आम इस्तेमाल में इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है. तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. अच्छा, अभी हमने कहा कि जी अगर आपके पास कोई फंक्शन है कैपिटल एफ सच दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल सम अदर फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन. ठीक है जी, अभी एक थ्योरम भी देखा है इसका. इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, देख लेते हैं कि इसकी जो नोटेशन है वो है एक लंबा सा एक साइन होता है, इसको इंटेग्रल साइन कहते हैं. इट्स बेसिकली एन इलॉन्गेटेड फॉर्म ऑफ द लेटर एस, एंड वी राइट इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि जी बेसिकली ये जो अभी सिंबल देखा हमने, आइए इसको फिर से देख लेते हैं, जो अभी हमने स्क्रीन पे देखा था कि इंटेग्रल f of x dx equals f of x plus c, this is read as the indefinite integral of f of x equals f of x, yani capital f of x. Yahan pe f aur chota f aur bada f thoda confusing hai, lekin if you see it written down I think it will make sense. Acha, ye dekhiye ki right hand side jo thi is equation ki, jisme capital f function hai, wo specified nahi hai, wo depend bhi karta hai in a sense on the capital c constant function, constant number. तो ये चूंकि अनस्पेसिफाइड एक क्वांटिटी है, तो इसको दैट्स वाई वी कॉल दिस द इनडेफिनेट इंटेग्रल, दैट्स द रीजन वाई वी कॉल इट इनडेफिनेट. और जो सी होता है कैपिटल सी, इसको आमतौर पे हम कहते हैं द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट टर्मिनोलॉजी वी शुड टेक केयर ऑफ राइट नाउ. तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर एक, लेट्स डू एन एग्जाम्पल विद द टर्मिनोलॉजी वी हैव इंट्रोड्यूस सो फार. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है जी के अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर, इसके एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो हैं इस फॉर्म के कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स वन थर्ड एक्स टू द पावर थ्री प्लस सी. सो विद द टर्मिनोलॉजी वी हैव इंट्रोड्यूस सो फार वी कैन राइट डाउन इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स वन थर्ड एक्स टू द पावर थ्री प्लस सी. अच्छा, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि जो इंटेग्रल फंक्शन, इंटेग्रल के बाद फंक्शन आता है और फिर एक dx लिखा हुआ आता है, ये क्या चीज़ है. इसको थोड़ी इसकी काफ़ी डीप मीनिंग है इन अ सेंस, लेकिन इसको अभी हम इग्नोर कर देंगे इस डीप मीनिंग को. सिर्फ ये कह लेते हैं कि dx जो है फिलहाल इट बेसिकली सर्व्स टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव. यानी अगर dx लिखा है तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो x होगा, अगर डी टी लिखा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो टी होगा, अगर डी एस लिखा होता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता वो एस होता. इट्स जस्ट दैट फॉर नाउ कि डी एक्स आइडेंटिफाइज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, अब इंटीग्रेशन के बारे में तो हमने बात कर ली, अब सवाल ये है कि हाउ डू वी इंटीग्रेट, हाउ डू वी फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स. तो इसमें यह है कि इसका कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ बेसिक ऑफन जो ये प्रोसेस होता है, इट्स अ गैस वर्क, यानी गैसिंग के थ्रू हम ये करते हैं. इसको फॉर्मली हम आगे चल के डेवलप करेंगे कि प्रॉपरली कैसे किया जाता है, लेकिन इस वक्त ये गैसिंग गेम है. इसमें ये है कि थोड़े से कुछ फार्मूलाज हैं जो अभी देख लेते हैं टेबल में, ये बुक में भी हैं आपकी, और उनको हम यूज़ करेंगे फॉर फर्दर डूइंग फर्दर एग्जाम्पल्स. तो आइए देखते हैं इनको. ये जनाब आपके सामने टेबल है, इसमें कुछ फार्मूलाज दिए हुए, ये आप देख लीजिए. दीज आर बेसिक डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ सम बेसिक फंक्शंस एंड द इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन फार्मूलाज.
तो यानी आपको बता रहे हैं कि कौन से फंक्शंस का कौन सा एंटी डेरिवेटिव है. तो ये इट्स वेरी हेल्पफुल टू लुक एट दीज एंड वी कैन यूज दीज एक्चुअली राइट नाउ. तो ये सब जो टेबल में हमने अभी फॉर्मूलाज देखे इनको इस्तेमाल करते हैं टू एक्चुअली डू एन एग्जाम्पल. तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, कुछ तीन चार एग्जाम्पल एक साथ करते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले तो ये कि टेबल से जाहिर सी बात है कि जो एक्स स्क्वेयर फंक्शन था तो उसका इंटीग्रल जो होगा इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस द कॉन्स्टेंट सी. यानी कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट हो सकता है, ये तो हम देख ही चुके हैं. इसके अलावा अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रल मालूम करें तो इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स जो होगा वो फ्रॉम द टेबल इट्स ऑब्वियस के इट शुड इक्वल क्या होना चाहिए, इट शुड बी एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी. और सिमिलरली 1 ओवर एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रल जो होगा उसको अगर आप लिख लें एज एक्स टू द पावर माइनस 5 डी एक्स तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सी. अच्छा जी, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गई. अब इंडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको देख लेते हैं और इनको फिर हम आगे चल के और इस्तेमाल करेंगे फॉर वेरियस रीजंस. यानी अगर आपको याद हो डेरिवेटिव की जब बात की थी तो कुछ प्रॉपर्टीज थी डेरिवेटिव्स की जो हमने देखी थी और फिर एक फॉर ग्रांटेड ले ली थी कि भाई ठीक है हम इनको इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली इंटेग्रल्स की भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी देख लेते हैं. इनको थ्योरम की फॉर्म में लिख लेते हैं. सबसे पहले तो ये कि डी ओवर डी एक्स ऑफ द इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के. ये जो हमने अभी देखा कि इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास वापस वही फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स जिसका आप इंटेग्रल ले रहे थे. जाहरी सी बात है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या जो बना वो ये है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर इन अ सेंस. यानी जो काम इंटीग्रेशन करती है उसको उलट कर देती है डिफरेंशिएशन और जो काम डिफरेंशिएशन करती है उसको उलट कर देती है डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन. ठीक है जी, तो ये एक यहाँ का इस फॉर्मूले का मकसद था. अब इसका ये थ्योरम देख लेते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है इंटीग्रेशन की. इसमें जनाब ये थ्योरम है आपके सामने. सिंपल से फैक्ट्स हैं कि अगर कॉन्स्टेंट एक है मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से और उसका इंटीग्रल आप लें तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और बाकी इंटीग्रल डजंट चेंज. अगर आपके पास सम है, इफ़ यू हैव द सम ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी एंड यू टेकिंग देयर द इंटीग्रेशन और द इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ दोज टू फंक्शंस, वेल इट्स द सेम एज द इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस. सिमिलरली अगर डिफरेंस है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द सम. ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम प्रूव नहीं करेंगे, वील टेक दिस फॉर ग्रांटेड और अब इनको इस्तेमाल करके कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स ट्राई टू इवेल्यूएट द इंटीग्रल 4 कोसाइन एक्स डी एक्स. यहाँ पे सिंपल सी बात है, थ्योरम जो अभी देखा उसका पहला रूल अप्लाई कीजिए, 4 को बाहर ले जाएं इंटीग्रल साइन से और उसके बाद कोसाइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल आप लेना चाह रहे हैं तो वो अभी टेबल देखा था थोड़ी देर पहले उसके हवाले से द रिजल्ट शुड बी 4 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस सी एंड वी कैन री राइट दिस एज 4 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस के और यहाँ पे के जो है वो 4c की बराबर हो जाएगा. तो ये एक एग्जाम्पल थी जहाँ पे हमने टेबल भी इस्तेमाल किया और ये थ्योरम भी. तो एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरम कैसे इस्तेमाल हो सकता है इंटीग्रेशन में. एग्जाम्पल है जनाब, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्वान्टिटी डी एक्स. तो सिंपल सी बात है कि थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ओवर द सम एंड वी गेट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस द इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स. And of course, we know from the table, and that's in your book also, that the result should be, for the first one, the result should be 1/3 times x to the power 3. Aur jo dusra wala hai, uske liye result aayega plus 1 over 2 x to the power 2. Aur aakhir mein plus c likh dete hain for the constant. Acha ji, aap log shayad khush ho gaye honge. Maine kaha tha last example hai. To last example to hai, lekin that doesn't mean that the lecture is over. Thodi si cheeze aur rehti hain. और इसमें एक दो चीज़ें, ये कुछ एक थ्योरम ही है बेसिकली. जो थ्योरम हमने देखा था अभी सम के लिए इंटीग्रेशन का उसका जनरलाइज वर्जन है, इसको देख लेते हैं. ये बेसिकली लास्ट चीज़ होगी इस लेक्चर की, तो आइए इसको देखते हैं. जनरलाइज वर्जन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम वी जस्ट सॉ इज इंटीग्रल ऑफ द ऑफ यानी अगर आपके पास एक सम है
of functions that are multiplied by constants, तो ये distribute हो जाता है over the sums, and you can always pull out the constants across the integration sign. तो ये जनाब आपका last जो बात करनी थी आज के lecture की, ये हमने अभी generalized version देखा इस theorem का. Derivatives में भी हमने एक ऐसा theorem देखा था और उसको शायद प्रूफ भी किया था, लेकिन उसी तरह की चीज़ थी ये. एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. आगे चल के जब इंटीग्रेशन करेंगे वील सी दैट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग. अच्छा जी, तो अब हम ख़त्म करते हैं लेक्चर यहीं पे. तो आज के लेक्चर में क्या था टॉपिक, एक तरह से इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब हम कैलकुलस का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं. इंटीग्रेशन वगैरह की बात शुरू किए, एरियाज की बात किए, एरियाज अंडर द कर्व. तो नेक्स्ट टाइम इस आइडिया को फर्दर डिवेलप करेंगे. फिलहाल जो कॉन्सेप्ट थे आज के वो ये थे कि हमने देखा इंटरप्ले बिटवीन एंटी डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स एंड व्हाई वी नीड देम. हमने एरिया फंक्शन मालूम करना था, उसके लिए हमने एक क्यूट सी टेक्निक इस्तेमाल की कि जी उसका पहले आप डेरिवेटिव मालूम कर लें, एंड टर्न्ड आउट टू बी अ क्वांटिटी वी न्यू ऑलरेडी, एंड देन वी वेंट बैकवर्ड्स एंड फाउंड द ओरिजिनल एरिया फंक्शन. तो होपफुली इसका कुछ आपको अप्रिसिएशन आपने डिवेलप की होगी. आप होमवर्क कीजिए, डू द होमवर्क, और कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा. फिर अगले वक्त अगली दफ़ा मुलाकात करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.